जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी माध्यम फिजिक्स के अंतर्गत एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म समांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस समांतर प्लेट संधारित्र को हम समांतर पट संधारित्र भी कहते हैं। कुछ पुस्तक में समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है, कुछ में समांतर पट संधारित्र कहा जाता है, तो इससे हमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम आपको समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपको समांतर पट संधारित्र यानी समांतर प्लेट संधारित्र को बताने जा रहे हैं। देखें होता क्या है इसमें, इसमें धातु की दो समतल प्लेटें, धातु की दो समतल प्लेट, एक प्लेट यक्ष है और दूसरी प्लेट वाई है। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर विद्युत रोधी स्टैंड के सहारे रखी गई होती हैं। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर होती हैं, इसलिए इस संधारित्र को हम समांतर पट संधारित्र कहते हैं। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के अति निकट होती हैं, इनके प्लेटों का क्षेत्रफल भी एक समान होता है। और देखें ये जो पहला प्लेट है, पहले प्लेट का संबंध आवेश स्रोत से होता है और दूसरे प्लेट का संबंध अर्थ से होता है, और इन दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा गया होता है। तो इसको समांतर प्लेट संधारित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर होते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर कौन सी क्रिया होती है। ध्यान दीजिए, आवेश स्रोत से जब हम पहले प्लेट एक्स को आवेश देते हैं तो यह आवेश पहले प्लेट के अंदर के तरफ धन आवेश और दूसरे प्लेट के अंदर के तरफ ऋण आवेश और प्रेरण के कारण इसके बाहर के तरफ आ जाता है धन आवेश। परंतु इसका संबंध पृथ्वी से होता है, इसलिए बाहर के जितने धन आवेश होते हैं सभी धन आवेश पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र जिनके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल एक समान ए है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है और प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जब परावैद्युत पदार्थ भर देंगे और आवेश स्रोत से आवेश दिया जाएगा तो ये जो परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो जाएगा और ध्रुवण के दौरान इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और हमने आपको बताया था कि अगर इसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो दो आवेशित प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के होता है, ये आपको पता है। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि σ = Q/A होता है। अब हम सिग्मा के जगह पे रख देते हैं Q/A, तो E = σ के जगह पे Q रख दिए और ये हो गया नीचे A, तो एप्सिलॉन नॉट के A हो गया।
अब सुनिए, जहां आवेश होता है वहां वैद्युत क्षेत्र होता है, और जहां वैद्युत क्षेत्र होता है वहां वैद्युत विभव होता है। तो दोनों प्लेटों के बीच, यानी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत विभव भी हम आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव के मध्य संबंध बताए थे, और यहाँ था E इज इक्वल टू वी बाई डी। और अगर यहाँ से V की वैल्यू निकाल लें तो E इंटू डी हो जाएगा। जहाँ E दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तो चलिए V इज इक्वल टू हम E की वैल्यू यहाँ रखते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए, और ये हो जाएगा D। आपको पता है कि संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू होता है Q बाई वी। हम वी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो फिर ये Q अपॉन वी की वैल्यू देखिए, ये है क्यू डी, क्यू इन टू डी, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए। सॉल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट के ए, तो फिर Q से Q कैंसिल हो जाएगा और C इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। कई बार आपसे बोर्ड के एग्जाम में इस सूत्र का डेरिवेशन करने के लिए कहा गया है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। और आपको पता है कि धारिता का मात्रक फैरड होता है, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सपोज कीजिए इस पर बेस्ड अगर हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो वो उसका अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो धारिता जो निकलेगी, संधारित्र की धारिता का मात्रक यहाँ फैरड होगा, और फैरड को आपको पता है कि एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें उम्मीद है कि ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये फार्मूला तब मिला है जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा है। अब मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है, तो अगर परावैद्युत पदार्थ को हम निकाल देंगे तो दोनों प्लेटों के बीच में वायु अथवा निर्वात हो जाएगा। और आपको पता है कि वायु अथवा निर्वात के लिए माध्यम का परावैद्युतांक 1 होता है। तो अब देखिए एक बात और आपको समझना है, हम मान लेते हैं कि जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो संधारित्र की धारिता C है, और जब कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा हुआ है तो संधारित्र की धारिता C 0 है। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते हैं। जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा होगा तो संधारित्र की धारिता C होगी, और जब प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा होगा तो संधारित्र की धारिता C 0 होगी। तो अब देखिए C 0 ये है एप्सिलॉन नॉट के जगह पे 1 हो जाएगा, और ये हो गया A अपॉन D। तो ये तो C की वैल्यू थी, इसको हम चाहें तो इक्वेशन 1 कर सकते हैं, और ये C 0 की वैल्यू हुई, इसको हम चाहें तो इक्वेशन 2 कर सकते हैं। अब अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करेंगे तो देखें क्या मिलेगा, ये C अपॉन C 0, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर रहे हैं, राइट को राइट से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखें ये हुआ C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, और अपान जब C 0 रखेंगे तो C 0 की वैल्यू रखेंगे तो D ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट ए नीचे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ आपको मिलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, C अपान C 0 इज इक्वल टू K मिलेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि अगर आपको माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करना है, सपोज कीजिए आपको C की वैल्यू मालूम है, और C क्या है, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा गया हो
उस स्थिति में संधारित्र की धारिता है और C0 भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। जब प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा गया है तो अगर C और C0 का मान मालूम हो तो इस फार्मूले की सहायता से K की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, या दूसरे रूप में हम कहें इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो C0 K हो जाएगा। अब देखिए, इन तीनों राशियों में से कोई भी दो राशि अगर आपको मालूम है, कोई भी दो राशि मालूम है, तो तीसरे राशि की गणना आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहा समांतर प्लेट संधारित्र, और हमें उम्मीद है कि समांतर प्लेट संधारित्र और उससे संबंधित जो डेरिवेशन था, ये डेरिवेशन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।